नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गाबापिन एंटी टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, गाबापिन एंटी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और गाबापिन एंटी टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि गाबापिन एंटी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में गाबापिन एंटी टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। गाबापिन एंटी टैबलेट का उपयोग न्यूरोपैथिक दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। न्यूरोपैथिक दर्द का मतलब होता है नसों का दर्द। न्यूरोपैथिक दर्द होने पर बहुत तेज दर्द होना, जलन होना, सुइयां चुभने जैसी संवेदना होना, त्वचा का सुन्न पड़ जाना और बिजली के करंट की तरह झटके के साथ दर्द होना आदि लक्षण न्यूरोपैथिक दर्द होने पर हो सकते हैं। डायबिटीज होने पर, शराब का अधिक सेवन करने पर, शरीर में कमजोरी होने पर और रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई समस्या होने पर न्यूरोपैथिक दर्द होने का रिस्क अधिक हो जाता है। गाबापिन एंटी टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। गाबापिन एंटी टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन गाबापेंटिन और नोरट्रिप्टिलिन होता है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि गाबापिन एंटी टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। गाबापिन एंटी टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर गाबापिन एंटी टैबलेट को दिन में एक बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। गाबापिन एंटी टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको गाबापिन एंटी टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना गाबापिन एंटी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि गाबापिन एंटी टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में गाबापिन एंटी टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में गाबापिन एंटी टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे वजन का बढ़ना, नींद अधिक आना, सिर चकराना, कब्ज, मुंह में सूखापन, दिल की धड़कन का तेज होना और शरीर में थकान हो सकती है। अगर आपको गाबापिन एंटी टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि गाबापिन एंटी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में गाबापिन एंटी टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। गाबापिन एंटी टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाबापिन एंटी टैबलेट के साथ शराब का सेवन करने की वजह से नींद आने की समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती है, इसलिए गाबापिन एंटी टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर ने गाबापिन एंटी टैबलेट को दिन के समय में लेने की सलाह दी है तो आपको गाबापिन एंटी टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग और ऐसी मशीनों पर काम नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि गाबापिन एंटी टैबलेट को लेने के बाद नींद अधिक आती है। यदि किसी व्यक्ति को गाबापिन एंटी टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे गाबापेंटिन या नोरट्रिप्टिलिन आदि से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को गाबापिन एंटी टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं गाबापिन एंटी टैबलेट को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए गाबापिन एंटी टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को गाबापिन एंटी टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को गाबापिन एंटी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका गाबापिन एंटी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।